सुप्रभात अभिनंदन। कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में सुस्वागतम। बच्चों, आज एक नई बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है सार लेखन। जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं या किसी कहानी को सुनते हैं तो एक संक्षिप्त उसके बारे में एक संक्षिप्त सी कहानी हम समझते हैं, जिसे सार कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे समरी भी कहते हैं। और यही सार लेखन आज आपको करना है जिस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगी। आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 की जो कहानी है वह है पाठ 2, बिलस्य वाणी कदापि मे न श्रुता, अर्थात बिलस्य कहते हैं गुफा को, गुफा की आवाज को मैंने कभी नहीं सुना। यह आपकी कहानी का नाम है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक शेर था जो भूखा जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते से शाम हो गई, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। भोजन को ढूंढते ढूंढते उसने जब एक गुफा को देखा तो उसने सोचा शायद इस गुफा में कोई रहता होगा और मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो मुझे भोजन मिल जाएगा। जब वह वहाँ गया तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन उसने सोचा कि इस गुफा में अवश्य कोई रहता होगा जो लौट कर आएगा। जब वह आएगा तो मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लूँगा। ऐसा सोचकर वह उस गुफा में छिप कर बैठ गया। और जब शाम हुई और उस गुफा का मालिक एक ददीपुच्छ नाम का सियार वहां आया, उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर कुछ शेरों के ददीपुच्छ नामक सियार ने देखा कि उसकी गुफा के सामने शेर की गुफा में जाते हुए पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस आते हुए के नहीं। उसने सोचा और सोच विचार कर वह अपनी गुफा से थोड़ी दूर जाकर जोर से बोला, अरे गुफा, तू मेरा स्वागत नहीं करेगी आज? उधर से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि अंदर बैठे शेर ने सोचा, क्या यह गुफा रोज अपने मालिक को पुकारती है? बाहर से सियार ने फिर बोला, अगर तू मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा और लौट जाऊंगा। शेर ने सोचा कि अगर यह सियार लौट गया तो मुझे आज की रात भूखा ही रहना पड़ेगा, इसलिए वह गुफा की आवाज बनाकर जोर से बोला, मेरे स्वामी अंदर आओ। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के सारे पशु पक्षी भी डर गए और वह सियार भी दौड़ लगाकर जाता हुआ बोला, अरे मूर्ख, बोलने से पहले सोचते तो सही, मैं तो इस जंगल में। सुप्रभात अभिनंदन। कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में सुस्वागतम। बच्चों, आज एक नई बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है सार लेखन। जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं या किसी कहानी को सुनते हैं तो एक संक्षिप्त उसके बारे में एक संक्षिप्त सी कहानी हम समझते हैं, जिसे सार कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे समरी भी कहते हैं। और यही सार लेखन आज आपको करना है जिस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगी। आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 की जो कहानी है वह है पाठ 2, बिलस्य वाणी कदापि मे न श्रुता, अर्थात बिलस्य कहते हैं गुफा को, गुफा की आवाज को मैंने कभी नहीं सुना। यह आपकी कहानी का नाम है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक शेर था जो भूखा जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते से शाम हो गई, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। भोजन को ढूंढते ढूंढते उसने जब एक गुफा को देखा तो उसने सोचा शायद इस गुफा में कोई रहता होगा और मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो मुझे भोजन मिल जाएगा। जब वह वहाँ गया तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन उसने सोचा कि इस गुफा में अवश्य कोई रहता होगा जो लौट कर आएगा। जब वह आएगा तो मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लूँगा। ऐसा सोचकर वह उस गुफा में छिप कर बैठ गया। और जब शाम हुई और उस गुफा का मालिक एक ददीपुच्छ नाम का सियार वहाँ आया, उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर कुछ शेरों के ददीपुच्छ नामक सियार ने देखा कि उसकी गुफा के सामने शेर की गुफा में जाते हुए पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस आते हुए के नहीं। उसने सोचा और सोच विचार कर वह अपनी गुफा से थोड़ी दूर जाकर जोर से बोला, अरे गुफा, तू मेरा स्वागत नहीं करेगी आज? उधर से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि अंदर बैठे शेर ने सोचा, क्या यह गुफा रोज अपने मालिक को पुकारती है? बाहर से सियार ने फिर बोला, अगर तू मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा और लौट जाऊंगा।
शेर ने सोचा कि अगर यह सियार लौट गया तो मुझे आज की रात भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए वह गुफा की आवाज बनाकर जोर से बोला, मेरे स्वामी अंदर आओ। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के सारे पशु पक्षी भी डर गए और वह सियार भी दौड़ लगाकर जाता हुआ बोला, अरे मूर्ख, बोलने से पहले सोचते तो सही, मैं तो इस जंगल में। सुप्रभात अभिनंदन। कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में सुस्वागतम। बच्चों, आज एक नई बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है सार लेखन। जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं या किसी कहानी को सुनते हैं तो एक संक्षिप्त उसके बारे में एक संक्षिप्त सी कहानी हम समझते हैं, जिसे सार कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे समरी भी कहते हैं। और यही सार लेखन आज आपको करना है जिस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगी। आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 की जो कहानी है वह है पाठ 2, बिलस्य वाणी कदापि मे न श्रुता, अर्थात बिलस्य कहते हैं गुफा को, गुफा की आवाज को मैंने कभी नहीं सुना। यह आपकी कहानी का नाम है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक शेर था जो भूखा जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते से शाम हो गई, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। भोजन को ढूंढते ढूंढते उसने जब एक गुफा को देखा तो उसने सोचा, शायद इस गुफा में कोई रहता होगा और मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो मुझे भोजन मिल जाएगा। जब वह वहाँ गया तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन उसने सोचा कि इस गुफा में अवश्य कोई रहता होगा जो लौट कर आएगा। जब वह आएगा तो मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लूँगा। ऐसा सोचकर वह उस गुफा में छिप कर बैठ गया। और जब शाम हुई और उस गुफा का मालिक एक ददीपुच्छ नाम का सियार वहाँ आया, उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर कुछ शेरों के दधिपुच्छ नामक सियार ने देखा कि उसकी गुफा के सामने शेर की गुफा में जाते हुए पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस आते हुए के नहीं। उसने सोचा और सोच विचार कर वह अपनी गुफा से थोड़ी दूर जाकर जोर से बोला, अरे गुफा, तू मेरा स्वागत नहीं करेगी आज। उधर से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि अंदर बैठे शेर ने सोचा, क्या यह गुफा रोज अपने मालिक को पुकारती है। बाहर से सियार ने फिर बोला, अगर तू मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा और लौट जाऊंगा। शेर ने सोचा कि अगर यह सियार लौट गया तो मुझे आज की रात भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए वह गुफा की आवाज बनाकर जोर से बोला, मेरे स्वामी अंदर आओ। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के सारे पशु पक्षी भी डर गए और वह सियार भी दौड़ लगाकर जाता हुआ बोला, अरे मूर्ख, बोलने से पहले सोचते तो सही, मैं तो इस जंगल में